हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सबसे पहले बताओ कैसा लगा सरप्राइज, मजा आया देख के इतने सारे यूट्यूबर्स को एक साथ? एंड हमने किया है कलर थीम के अकॉर्डिंग फोटोशूट चैलेंज। आई मेकअप, आउटफिट और बैकग्राउंड सेम कलर का होना चाहिए, तो कुछ इस हिसाब से हम लोगों ने किया है। सबने अपने अपने मेकअप लुक्स को अपलोड किया अपने चैनल के ऊपर, तो प्लीज आप जाके जरूर चेकआउट कर लो। लिंक मैंने आपको डाल दिया सबके चैनल का और इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड या थैंक यू सो मच साइमा शाय स्टाइल कोलैब करने के लिए, थैंक यू सो मच डियर। और प्रिया दी, प्रिया ब्यूटी जोन वाली प्रिया दी, ये सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए और सारी ना सबको इकट्ठा करने के लिए। गाइज, मैंने क्रिएट किया है मेहंदी मेकअप लुक। मेरा मन था मेहंदी लगवाने का, लेकिन लॉकडाउन में कैसे लग सकती है। अगर मैं आउटफिट की बात करूं तो जोश इंडिया का आउटफिट और बहुत ही ज्यादा सुंदर वाला लहंगा है ग्रीन कलर का। इसका डिटेल में ऑलरेडी मैंने रिव्यू वगैरह शेयर किया हुआ अपने चैनल के ऊपर, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेयर स्टाइल मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है, हेयर ट्यूटोरियल ये वाला हेयर स्टाइल के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप जरूर चेकआउट कर लेना। हम लोग बहुत दिनों से सारे यूट्यूबर्स मिलके इस वीडियो के लिए थोड़ी सी ना डिस्कशंस वगैरह कर रहे थे, तो आउटकम आपको कैसा लगा प्लीज आप लोग जरूर बताना, मजा आएगा आपके कमेंट्स पढ़ के। लव यू गाइस। लहंगा आप देख सकते हो स्टिच होने के बाद, मेरी टेलर ने ना ब्लाउज थोड़ा सा लंबा स्टिच कर दिया, कपड़ा ज्यादा था ना तो ज्यादा ही उन्होंने लगा दिया, तो और थोड़ा सा ना कमर वाले हिस्से पे भी लूज है, पता नहीं क्यों लूज है। मैं पतली तो नहीं हुई हूँ फॉर श्योर, बट लूज लगा यार मैंने। देखो अभी साइड में देखोगे ना तो सेफ्टी पिन लगाया हुआ है, बाद में उसको मैं सेट करवा लूंगी, देख लो साइड में आपको सेफ्टी पिन नजर आ जाएगा। लहंगा बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, बनारसी लहंगा, दुपट्टा बड़ा प्यारा है, जोश इंडिया का है। तो यप, आपको मैं थोड़ा सा ओवरऑल लुक दे रही थी इस लहंगे का। आज की वीडियो में मैं अपने टिकटॉक्स नहीं इंक्लूड कर रही, तो आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हो, आप वहां पे मेरे टिकटॉक्स देख सकते हो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो, जैसे भी मुझे थोड़े बहुत बनाने आते हैं जो मैं बनाती हूँ। एंड या ये जो कोलैब वीडियो है उसकी एक अलग से इंस्टाग्राम के लिए हम लोगों ने वीडियो शूट की, तो इंस्टाग्राम पे एंड टिकटॉक पे भी आप जरूर देखना। सबसे पहले मैं अपने लाइट ग्रीन कलर के कॉन्टैक्ट लेंसेज डाले हूँ, बॉशन ऑफ ब्रांड के हैं, 1500 रुपए में मिल जाएंगे, पावर वाले हैं, एक साल के लिए चलेंगे, मैंने लोकल मार्केट से लिया था। आप बॉशलॉम के स्टोर से पता कर सकते हो, शोरूम से ऑनलाइन मुझे पता नहीं। अब ये जो बोधियां जो मैंने रात से की हुई हैं, इसका मैंने हेयर ट्यूटोरियल शूट किया है, आएगी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी तो देख लेना आप लोग, तो उसको मैंने थोड़ा सा साइड कर लिया। फिर मैं यूज करूंगी गुड वाइब्स का नीम और तुलसी टोनर, आई लव टोनर्स, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। मैंने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी स्किन के ऊपर जितने पोर्स है ना मिनिमाइज हो गए हैं। फिर मैं यूज करूंगी गुड वाइब्स का ये सीरम, ये है ग्रेप सीड का स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस सीरम है, ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि थोड़े से ड्यूई लुक देता है। आप देखो एक पंगा हो गया, लाइट चली गई, आप देख सकते हो मेरी शक्ल बन गई। मैंने बीच में चाय वगैरह बना ली, आधा घंटा वेट कर लिया बट लाइट चली गई, मैंने अपने लेंसेज उतनी देर उतार लिए थे इसलिए आपको मेरी काली काली आंखें नजर आ रही होंगी, और मुझे इतनी खिज मच रही थी, इनफैक्ट मैं रोने भी लगी थी भाई ये क्या हो गया, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी आज, सबको देनी थी, सब इन्वॉल्व थे बीच में सारे यूट्यूबर्स, तो टाइम से वीडियो जानी थी। एनीवेज लाइट आई नहीं तो मैंने अपना फिर से कंटिन्यू कर लिया, आधा घंटा वेट करके मैं यहाँ पे गुड वाइब्स की क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, गुड वाइब्स प्लस की, ये है इनकी जोजवा प्लस हनी मॉइस्चराइजिंग प्लस नरिशिंग नाइट क्रीम है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छी है। फिर मैंने यहाँ पे बायोटिक की लिप बाम लगाई, क्या मस्त वाली लिप बाम है बायोटिक की। फिर मैं यहाँ पे पैक का स्टूडियो फिनिश प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि यार लाइट का पता था नहीं, एंड मैं सुबह से घर का काम कर रही थी, बहुत मुश्किल से टाइम निकाला मेकअप लुक शूट करने का, एंड लाइट धोखा देगी, बट एनीवेज प्राइमर मैंने अप्लाई कर लिया। प्राइमर लगाने से आपके जितने पोर्स होते हैं ब्लर आउट हो जाते हैं, मेकअप लंबे समय तक टिकता है। एले गर्ल का ये फाउंडेशन है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए फाउंडेशन है, क्योंकि ये ग्लोई ड्यूई सी लुक देता है आपको। पूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर है, गीला करके स्क्वीज आउट करके मैं इसको यूज कर रही हूँ, अमेजोन से मैंने इसको खरीदा था, एंड बहुत अच्छा वाला एंड अफोर्डेबल कैटेगरी का ब्यूटी ब्लेंडर, एंड लुक एट माय फेस, लाइट आ गई तो मेरी शक्ल देखो कैसे बन गई। मैं तो ऐसे लग रहा था जैसे भैया पता नहीं क्या मिल गया, मैं पागल हो रही थी पता है उतनी देर बैठ के, बट फाइनली लाइट आ गई, मैंने अपनी पोजिशन फिर से अपनी चेयर वहीं पे लगा ली टेबल के सामने। एंड यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मिलानी का कंसीलर, छोटी छोटी चीजें होती है बिहाइंड द सीन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना,
अब आदत हो गई है यार, क्या करूं मैं, नहीं बोलती ना तो मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है। कंसीलर था, ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से मैंने उसको, बहुत ही अच्छा लगा। कंसीलर है कलर बार के, यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ एंड कलर बार का कॉम्पैक्ट भी काफी अच्छा। मैं जितने भी, जब मैं मेकअप लुक्स करती हूँ ना गाइज, मैं अपने फेवरेट वाले प्रोडक्ट ही यूज करती हूँ ताकि लुक अच्छा, आउटकम अच्छा है। वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे अभी मैंने किया ताकि मेरा सारा बेस मेकअप एकदम लॉक हो सके। एंड मेकअप रेवोल्यूशन की ये है मेरी आईब्रो पैलेट, इसके साथ ही जो डार्क कलर है मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी अच्छी तरह से। एंड आजकल यार आईब्रोज बने नहीं ना हुए है, आंटी से नहीं बनवाए हुए, मतलब पार्लर वाली आंटी से, तो इतने गंदे लगते ना, मेरे को नहीं पसंद आते। मतलब आईब्रोज बने होते तो अच्छा लगता है। स्टेक वोके का ये लूज पाउडर है, शेड है मेरा 1, मैं लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ अपनी मतलब आफे आईज के पास, ताकि मैं जो भी डार्क मेकअप करूं वो फॉल आउट हो तो मैं उसको बाद में क्लीन कर सकूं। पर्पल का ये ग्रीन कलर का काजल है, बहुत ही ज्यादा सुंदर वाला ग्रीन कलर का काजल, एकदम बटर की तरह चलता है इनका काजल, लेकिन बाद में एकदम मैट हो जाता है, बिल्कुल भी स्मज नहीं करता। थोड़े से प्राइसी है पर्पल के काजल्स वगैरह, लेकिन वर्थ बाइंग है, मतलब वर्थ बाइंग है। चलो अब मैं क्या करने वाली, यहाँ पे इसको स्मज ब्रश ले लिया मैंने, इसको पूरी लिड के ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई करके स्मज ब्रश के साथ हल्का सा स्मज कर दिए, ज्यादा नहीं। फिर मैं यहाँ पे रूड कॉस्मेटिक्स की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, इसमें से ये जो मैट ग्रीन कलर है, मेहंदी ग्रीन कलर था ये, इसको मैं पूरी अपने लिड के ऊपर प्लेस कर दूंगी। जहां पे भी मैंने काजल अप्लाई किया तो उससे क्या होगा कि मेरा काजल मैटिफाई हो जाएगा और सेट हो जाएगा। एक मैंने ट्रांजिशन शेड ले लिया, लाइट सा ब्राउन सा, आप देख सकते हो स्किन कलर सा। इसके साथ मैं अपनी पूरी क्रीज को बिल्डअप करूंगी, साथ में ये जो ग्रीन कलर है, जो हार्श लाइन है, उसको ब्लेंड करूंगी। काफी देर लगाया मैंने इसको ब्लेंडिंग में, क्योंकि तभी आपका है ना स्मोकी लुक अच्छा बनता है। आज मैं ग्रीन स्मोकी लुक कर रही थी इस लहंगे के साथ और मुझे थोड़ा सा एकदम ग्रीन ग्रीन सा चाहिए था। तो अब मैंने ऑरेंजी ब्राउन सा शेड ले लिया, अपनी क्रीज को बिल्डअप करूंगी। क्रीज बिल्डअप करने में बहुत टाइम लगाया करो, आई मीन स्मज करने में, ब्लेंड करने में आप टाइम लगाया करो। फिर मैं एक और ग्रीन कलर ले रही हूँ, ये मेरे आउटफिट के साथ एकदम मैच कर रहा था। ये हल्का से इसमें ना शीन भी थी, इस शेड में बहुत ज्यादा नहीं थी बट हल्की सी थी इसमें। अब मैंने अपने सारा जो लूज पाउडर लगाया था उसको मैंने रिमूव कर दिया, लोअर वाटर लाइन पे वही वाला मैं ग्रीन काजल अप्लाई करूंगी। मुझे इस आउटफिट के साथ और कोई मेकअप लुक समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मुझे ग्रीन स्मोकी आई ही मैं कर लेती हूँ। आपको कैसा लगा एंड गाइस बैकग्राउंड कैसा लगा? और तो कुछ यार समझ नहीं आ रहा था, सारे पौधे उठा के अपने अंदर ले आई थी, एक ही प्लांट लेके आई थी वैसे तो, पाम ट्री। अब मैंने ग्रीन काजल लगा लिया, लोअर वाटर लाइन अपर वाटर लाइन, उसको स्मज कर रही हूँ काजल को। तो वही वाले यार 4 शेड्स जो मैंने अपने आईज के ऊपर अप्लाई किए थे, उसी 4 शेड्स को बारी बारी से लोअर वाटर लाइन पे लगाऊंगी। पहले वो ट्रांजिशन शेड, फिर ऑरेंजी ब्राउन शेड लगाऊंगी, साथ साथ में मैं इसको स्मज करती रहूंगी एंड फिर ये ग्रीन वाला कलर अप्लाई करूंगी। जो कलर्स आप ऊपर लगाते हो ना अपने आईज के, वही वाले सेम कलर्स आप अपने लोअर वाटर लाइन पे भी लगाया करो, ताकि बिल्कुल सेम सा आपका है ना लुक नजर आए। फिर उससे वही मैं ग्रीन कलर अप्लाई करूंगी जिसको मैंने अपने लिड के ऊपर अप्लाई किया था एंड अच्छी तरह से मैं इसको स्मज कर दूंगी। फिर मैं अपने लैशेस को थोड़ा सा कर्ल कर रही हूँ, वेगा का लैश कर्लर है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा लोकल में। अब तो चलो मेकअप का कहाँ सामान आपको मिलेगा लॉकडाउन के बाद। कलर बार का ये मस्कारा है, जूम एंड वुश मस्कारा। इस समय मैं इतना ज्यादा पैनिक कर गई थी ना जब लाइट चली गई थी, तो मुझे जो सामान मेरे टेबल पे पड़ा था बस मैं उसको लगाई जा रही थी फटाफट में, तो मेकअप लू कम्प्लीट कर लो कहीं लाइट ना चली जाए। मिलानी का ये ब्रॉन्जर है, इसके साथ मैं फेस की ब्रॉन्जिंग करूंगी ना कोरल, अगर आपको कुछ लुक चाहिए ना कोरली सी, तो आपको ये वाला ब्रॉन्जर शेड बिल्कुल पसंद आने वाला है और ये हर एक स्किन टोन के ऊपर भी अच्छा लगेगा। ये बहुत ही प्यारा वाला ब्रॉन्जर है, लव द प्रोडक्ट। जब से आया है ना आपको पता है मैं इसकी जान ले रही हूं तब से। नोज की भी कॉन्टोरिंग कर ली ताकि मेरा फेस, मेरा नाक वगैरह सब कुछ थोड़ा सा पतला लगे। एंड अब मैं यूज कर रही हूं यहाँ पे ये मिलानी का ब्लश, ये भी कोरली लुक देता है इसके अंदर, अगर आप पूरे को मिक्स करके लगाओ ना जैसे मैं लगा रही हूँ, तो कोरली सी लुक देता है, पिंक पिंक सी लुक नहीं देता। और आज के मेकअप लुक में मुझे थोड़ा सा कोरल टोन चाहिए थी फेस के ऊपर, क्योंकि आई मेकअप में थोड़ा सा कोरल था ना इस वजह से। फिर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर, इसको मैं पूरे फेस की हाईलाइटिंग करूंगी, चीक बोन्स की, सेंटर ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, चिन के सेंटर में, सेंटर ऑफ द फोरहेड। एंड अच्छे से आप उसको ना जब भी हाईलाइटिंग करते हो ब्लेंड कर लिया करो। साथ साथ में मैंने यहाँ पे आईब्रो के नीचे ब्राउ बोन जिसको बोलते हैं, आईज के कॉर्नर पे भी अच्छी तरह से मैंने अपनी हाईलाइटिंग कर ली। बहुत ब्यूटीफुल वाला हाईलाइटर, एकदम नेचुरल सा ग्लो देता है, वेट सा ग्लो देता है, मतलब
अच्छा लगता है यार मुझे ये वाला हाइलाइटर। सेटिंग्स पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा सारा बेस मेकअप सेट हो जाए। एंड अब मैं थोड़ी सी लिप बाम को क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे जो एक्सेस लगी हुई थी। फिर अप्लाई करूंगी लिपस्टिक, ये है लॉरियल की रूज मैट लिक्विड लिपस्टिक। इसकी मैंने डिटेल में 12 शेड्स है मेरे पास, सबकी एक डिटेल में वीडियो मैंने शेयर की हुई है। तो यप, ये दोनों शेड्स को मिक्स कर रही थी मैं, क्योंकि मेरे जो दुपट्टे का कलर था ना वो गाइस पिंक एंड ऑरेंज का टोन है, आपने देख ही लिया स्टार्टिंग में इंट्रो में। तो ये जो पिंक कलर है वो है 114 आई रिप्रेजेंट, तो इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर लिया 127 आई वाइब्रेट। दोनों को लगाने के बाद भी मेरे को जम नहीं रहा था मेरा नाक, आप देख ही सकते हो, क्योंकि जब आप इतना डार्क आई मेकअप करो ना स्मोकी टाइप से, उसके साथ न्यूड लिपस्टिक अच्छी लगती है। बट मुझे एकदम ब्राउन भी नहीं लगानी थी, हल्का सा मैं चाहती थी कलरफुल का ना थोड़ा सा टिंट आ जाए मेरे लिपस्टिक के अंदर। तो दोनों शेड्स मिक्स कर लिए, उसके ऊपर मैं लगाऊंगी अपनी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक, ये है मिलानी की अमोर मैट लिप क्रैम, शेड है लव्ड, 12 नंबर था ना, यस। एंड बस इसके ऊपर मैं अप्लाई कर लूंगी, तो आप देखोगे हल्का सा ना इसमें कलर मिक्सिंग होगी है, तो अच्छा लग रहा था इसके साथ। अभी मैं आपको पूरी लगा के भी दिखाती हूँ, देख सकते हो अब हल्की सी ना कलर मिक्सिंग सा हो गया इसके अंदर। तो यप, अब मैं थोड़ा सा गाइस मेकअप करने के बाद सबसे पहले मैं अपने बुद्धियां खोलूंगी ये जो मैंने की हुई है छोटी छोटी सी ब्रेड, फिंगर क्रॉस कर रही थी कि लुक अच्छा आ जाए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था भैया मेरी शक्ल के ऊपर ये कैसा लगेगा। हेयर स्टाइल एंड मेकअप भी कर लिया, और ये वीडियो मेरे लिए बेहद जरूरी थी, सब जानते यार कोलैब वीडियो थी। तो देख सकते हो पूरा खोल दिया, आधा घंटा लग गया। एंड इसका डिटेल में आपको मैं वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, उसमें मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगी, एक हेयर ट्यूटोरियल मैंने शूट कर लिया। चलो ज्वेल्स गैलेक्सी की इयरिंग्स डालो, इसके मैंने ऑलरेडी रिव्यू शेयर किया था, ज्वेल्स गैलेक्सी की इयरिंग्स, एंड दीज इयरिंग्स आर लाइक इनसेनली ब्यूटीफुल, इतना सुंदर पीस कि इसके साथ कुछ मत डालो यार, बस ये इयरिंग्स डालो, देयर लाइक सो ब्यूटीफुल। ग्रीन कलर की बिंदी लगा रही हूं मैं, क्योंकि मेहंदी मेकअप लुक था, मेरा मन कर रहा था कि चलो लगा लेती हूँ बिंदी, एंड बिंदी सुंदर लगेगी बड़ी सी ग्रीन कलर की बिंदी। गुड वाइब्स का बॉडी लोशन है लेवेंडर का, क्योंकि अब मैंने हैंड्स थोड़े सा, आप सबको पता यार मेकअप करने के बाद छोटी छोटी सी चीजें होती है जो आपने ध्यान रखनी होती है। अब इतना मेकअप कर लिया, हाथ अगर आपके रूखे सूखे गंदे से लगेंगे तो कितना गंदा लगता है, अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में भी जा रहे हो, लुक एट माई हैंड्स, लगा लगा के हाथों को साफ किया है, अपने अपना ही होता डियर। फिर यहाँ पे मैं अपने सोनाटा की वॉच डाल रही हूँ, ये ब्रांडेड वॉच है एंड मुझे ये बेहद पसंद है, मैंने लोकल मार्केट से ली थी, अमेजोन से आपको मिल जाएगी। ये रिंग है, ये भी अमेजोन की रिंग है, बाय द वे ज्वेल्स गैलेक्सी के इयररिंग्स भी आपको अमेजोन से मिल जाएंगे। ये नई वाली रिंग है, मीशो की है, बहुत बेचारी एक डेढ़ दो महीने से मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैं सोच रही थी इसको आउटफिट के साथ डालूंगी किसी, तो आज मैं इसको डालू, ग्रीन कलर की है। इसकी वीडियो शेयर करनी थी बट फिर लॉकडाउन हो गया तो तब से बेचारी पड़ी हुई है। तो या कैसा लगा आपको ये दोनों रिंग्स, और ये मैंने आज चूड़ियां नहीं डालनी थी क्योंकि इसको थोड़ा सा मिनिमल रखना था मैंने इस लुक को। फेवी बॉन्ड है बेचारी, ये भी खत्म होती जा रही है दिन पर दिन, जितनी मैं हर मेकअप लुक में इसको यूज कर रही हूँ। स्टेशनरी की शॉप से आपको 20 रुपीज के मिल जाते, फेक नेल से 5 रुपए के आपको मिल जाएंगे। मैंने जब खरीदे थे पता नहीं यार तुक्के से इतने सारे नेल्स खरीद लिए थे, पता नहीं अब देखो आज काम आ रहे हैं सारे नेल्स। नेल पॉलिश अप्लाई करूंगी स्टेक वोकी की, और ये है शेड नंबर 11 डिजायरिंग, कितना गलत बोला मैंने, डिजायरिंग लिखा हुआ है डबल प्लेजर। एंड या देख सकते हो अब कितना प्रिटी शेड, इसमें हल्की सी शीन है ग्रीन कलर में, नेल पॉलिश मुझे बड़ी प्यारी लगी, सुंदर भी लगी। तो या दिस इज द ओवरऑल लुक।